Hello everyone. Change in profit sharing ratio among existing partners. मतलब कि जो पार्टनर्स ऑलरेडी बिजनेस में हैं, उस पार्टनरशिप फर्म में साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आना, बदलाव होना, इससे होगा क्या कि किसी पार्टनर्स का जो हिस्सा है पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा, किसी पार्टनर का हिस्सा पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा। कहने का मतलब किसी को फायदा हो जाएगा हिस्से का, किसी को नुकसान हो जाएगा हिस्से का। तो इस स्थिति में कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो पहला तो एडजस्टमेंट कि हमें डिटरमाइन करना होता है गेनिंग रेशियो का, डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, मतलब कि किस पार्टनर का हिस्सा पहले की तुलना में बढ़ गया, और बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, तो गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता है, पता करना होता है। दूसरा, डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब कोई गेन करेगा, किसी का हिस्सा बढ़ेगा तो किसी का हिस्सा घटेगा भी, तो डिटरमिन हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी पता करना होता है। तीसरा, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, इसका भी अकाउंटिंग करना पड़ता है। रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, तो इसका एडजस्टमेंट करना होता है। चौथा, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, क्या करना होता है भाई, जो एसेट्स है उसका रिवैल्यूएशन का अकाउंटिंग करना होता है, और लाइबिलिटीज के रीअसेसमेंट का, कहने का मतलब एसेट्स का फिर से वैल्यूएशन करना और लाइबिलिटीज का फिर से दाम लगाना, ये भी करना होता है, इसका भी अकाउंटिंग करना होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में बदल रहा है तो। और पांचवा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये पांच चीज करना पड़ता है, पांच तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और चौथा, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और पांचवा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो ये पांच तरह के एडजस्टमेंट करने होते हैं, जिससे कि हम लोग अब जो ये जो शुरू किया हम लोगों ने चैप्टर चैप्टर ये प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इस चैप्टर का नाम ही है। तो इसमें ये सारा एक एक करके सारा टॉपिक हम लोग करते चलेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यहां से, डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो ये सवाल बनाते हैं, पर इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं कि क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब किसका हिस्सा कितना घट रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो निकालने के लिए होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब उसका पुराना रेशियो जो है उसमें से नए रेशियो को घटा देते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है। और अगर गेनिंग रेशियो निकालना है कि कौन कितना गेन कर रहा है, किसका हिस्सा पहले के कंपटीशन में बढ़ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला है। तो जहां कैलकुलेशन बहुत छोटा है तो वहां तो देखकर ही समझ में आ जाता है कि भाई कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल करके उसका सैक्रिफाइस निकाल लिया, और जो गेन कर रहा है उसका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाल करके गेन कर या लगा करके वो कितना गेन कर रहा है वो निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा कैलकुलेशन है तो वहां पहले से ही हमें अंदाजा नहीं लग सकता कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, तो वहां कोई एक फॉर्मूला
अप्लाई करेंगे, या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो सैक्रिफाइस हो रहा है, और अगर निगेटिव आंसर आ रहा है तो वो गेन हो रहा है, ठीक है। और उसी की तरह गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाकर अगर कर रहे हैं हम, तो वहां पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो गेन हो रहा है, और निगेटिव आंसर आ रहा है तो सैक्रिफाइस हो रहा है। तो हम कोई भी एक फॉर्मूला लगाकर ही सैक्रिफाइस और गेन दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया हम लोगों ने, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पे एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर थे, जो कि प्रॉफिट कैसे बांटते थे, प्रॉफिट और लॉस जो बांटते थे वो बांटते थे 2:1 में, 2:1 में। नाउ दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, लेकिन अब वो प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहां पे नया क्या है, पुराना क्या है रेशियो, तो एक्स और वाई का देखते हैं कि ओल्ड रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो है 2:1, पहले का जो रेशियो था 2:1, और नया क्या है, तो नया रेशियो है इक्वली बराबर बराबर, जब दो पार्टनर के बीच मतलब 1:1, मतलब 1:2, 1:2, पहले क्या था 2:3, 1:3। तो क्या बोला, अब निकालना है यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लगाते हैं फॉर्मूला सैक्रिफाइस का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या बताया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो भाई पहले एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स का, तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है 2:3, 2:1 मतलब एक्स का 2:3 है, और तो एक्स का ओल्ड रेशियो 2:3 माइनस नया रेशियो तो बराबर का ही है, तो 1:2 है, तो 1:2, तो कितना निकलेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये 6, और फिर ये जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 2 6, 3 2 6, 2 आ रहा है हमारा, और उस 2 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर उससे भी इसी तरह इससे डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, ये 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, ये हो गया, तो 4 3 1/6, ये क्या हम सैक्रिफाइसिंग का लगाए फॉर्मूला, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां पे सैक्रिफाइस हो रहा है, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, और वाई का क्या था भाई, पुराना वाला था 1:3, ठीक है ना, पुराना वाला 1:3, नया वाला 1:2, इसका एलसीएम भी वही आना है 6, फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और फिर 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो इसका क्या देख रहे हैं, -1/6, मतलब कि ये गेन कर रहा है। अभी मैंने क्या बताया, जो फॉर्मूला लगाएंगे, अभी सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया तो पॉजिटिव आंसर जिसका आया वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो कौन किसका पॉजिटिव आंसर आया, एक्स का 1/6 आया, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। और y का देख रहा है, वही फॉर्मूला लगाया तो उसका नेगेटिव आंसर आ रहा है -1/6, यानी y गेन कर रहा है, यानी का मतलब x का हिस्सा घट रहा है 1/6, छोड़ रहा है वो 1/6, और y का हिस्सा बढ़ रहा है 1/6, उसे उसका हिस्सा 1/6 से बढ़ जा रहा है, वो गेन कर रहा है, ठीक है। ये देख लिया, दूसरा देखते हैं, a b and c are partners sharing profits in the ratio 3:2:1, they agree to share profits equally with effect from 1st April 2022. पहले उनका क्या था रेशियो था भाई, 3:2:1 था, ओल्ड वाला रेशियो 3:2:1, और अब वो तैयार हैं कि प्रॉफिट को आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ओल्ड वाला रेशियो क्या है भाई, तो 3:2:1, मतलब ए का 3, बी का 2, सी का 1, और नया वाला रेशियो क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो 1:1:1, उसी तरह निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग का ही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, गेनिंग का लगा के भी हम लोग बना सकते हैं। अगर गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और उसके इसमें क्या होगा, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो गेन हो रहा है,
और निगेटिव आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग का ही लगाया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, पहले ए का निकालते हैं, ए का कितना था भाई, 3/6 माइनस 1/3। अच्छा इसको समझ लेते हैं, 3/6 कहां से आया, तो 3 ए का हिस्सा और इसका टोटल जो है 3 + 2 + 1 = 6, तो 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। उसी तरह 3 कहां से आया, तो इसका टोटल है 1 + 1 + 1, तो 3 हो गया, तो 1/3 1/3 1/3, इस तरह से होता है, जो डिनोमिनेटर है इस तरह से उसका टोटल रहता है, तो रेशियो जो आया अलग अलग पार्टनर्स के बीच में उसका टोटल जो है वो होता है डिनोमिनेटर, नीचे वाला हर जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो 3/6 - 1/3, तो यहां पे एलसीएम कितना हो गया, 6। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा। अब क्या कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड करना, तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 माइनस 3 को 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो आ गया 1/6। सेक्रीफाइस हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव आंसर है, हम सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब दूसरे का बी का, बी का है क्या है 2/6, लिखा 2/6 माइनस 1/3, तो इसका भी एलसीएम 6 है, अब 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जो तो हो गया 2, और फिर 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। तो भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो, ना इसका ऐसा बढ़ रहा है ना इसका ऐसा घट रहा है, ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो ये हो गया नो चेंज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सी का, तो सी का कितना है, पुराना वाला 1/6 और नया वाला 1/3, तो इसका एलसीएम लिया 6, 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, तो इसका हो गया माइनस 1/6, यानी ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहां सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस ए कर रहा है, और उसे गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे और देखते हैं, अब ये देखते हैं सवाल, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, नाउ दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। ठीक है, तो एक्स और वाई और जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था वो था 3:2:1, मतलब 3/6 एक्स का, 2/6 वाई का और 1/6 जेड का। अब जो नया रेशियो वो लोगों ने निर्णय लिया कि आगे आगे चलकर हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे, वो नया रेशियो है 2:2:1, मतलब x का 2/5, y का 2/5 और z का 1/5। ठीक है, तो पहले यहां लिख लेते हैं कौन कौन है पार्टनर, x, y और z, ओल्ड वाला कितना है, पुराना वाला रेशियो भाई, तो 3:2:1, और न्यू वाला है 2:2:1। ठीक है, अब कोई भी लगाए, गेनिंग का फॉर्मूला लगा के बनाए, सेक्रीफाइसिंग का लगा के बनाए, गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो गेन हो रहा है, और नेगेटिव आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो रहा है। उसी तरह सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस हो रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो गेन हो रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग का लगाते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स कर लेते हैं पहले, तो एक्स का पुराना वाला कितना था भाई, 3/6, तो 3/6 और माइनस नया वाला है 2/5, तो इसका एलसीएम निकाला 6 और 5 का तो 30 आएगा। अब क्या कर रहे हैं, 6 से 30 को डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 × 3, मतलब इससे ये डिवाइड किया, डिवाइड करके जो आया उससे हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, तो 6 डिवाइड किया 30 को तो 5, और 5 मल्टीप्लाई 3 15, माइनस 5 से 30 को डिवाइड किया 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, तो 3 बाय 30। तो ये हो गया, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर है, माइनस में नेगेटिव नहीं आया, माइनस में नहीं आया, और हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, तो 3 बाय 30 ये सैक्रिफाइस कर रहा है। y का, तो y का पुराना वाला कितना है 2 बाय 6, और नया वाला कितना है 2 बाय 5, तो इसका एलसीएम लेंगे तो वही 30 आना है, फिर से 6 से डिवाइड किया तो 30 को तो 5, 5 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, फिर 5 से 30 को डिवाइड किया तो 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। अब देख रहे हैं कि यहां पे इसका माइनस में आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, 10 में से 12 घटा है तो माइनस 2 ना, तो माइनस 2 बाई 30, ये क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। अब जेड का देख लेते हैं, तो जेड का कितना है पुराना वाला 1 बाय 6 और नया वाला है 1 बाय 5, तो इसका भी एलसीएम वही 30 आएगा, 6 से 30 को मल्टीप्लाई किया तो 5, सॉरी 6 से 30 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, इसी तरह 5 से 30 को 30 को डिवाइड किया तो 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो इसका भी माइनस 1 बाय 30, इसका मतलब है कि ये भी गेन कर रहा है, सीधा दिख रहा है, तीन हिस्सा ये छोड़ रहा है जिसमें से दो हिस्सा, तीन हिस्सा ये छोड़ रहा है, मतलब कौन छोड़ रहा है, एक्स छोड़ रहा है, जिसमें से दो हिस्सा वाई को मिल रहा है वो गेन कर रहा है, और एक हिस्सा जेड गेन कर रहा है। तो ये देखा हम लोगों ने, अब अगला देखते हैं, अमर अकबर एंड एंथनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:2:1। अमर अकबर और एंथनी पार्टनर्स है, जो प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, तो भाई 7:2:1 में, मतलब अमर का 7/10, अकबर का 2/10 और एंथनी का 1/10। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इफ एंथनी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम अमर। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर एंथनी ने अपना जो हिस्सा, एंथनी ने 1/10 हिस्सा अमर से लिया है तो भाई साफ लग रहा है इसमें, एंथनी जो भी लिया हिस्सा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, पर हुआ क्या, एंथनी ने लिया है और किससे लिया है, अमर से लिया है, तो बीच में अकबर है, अकबर के हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, अमर का हिस्सा अमर्स न्यू शेयर, पुराना वाला क्या था भाई, पुराना वाला था 7/10, ठीक है ना, 7:2:1, तो पुराना वाला अमर का था 7/10 और अमर से 1/10 ले रहा है, कौन ले रहा है, एंथनी, तो इससे ये निकल जाएगा ना, ये दे रहा है, इससे 1/10 निकल जाएगा, तो क्या होगा, इसका 7-1=6/10, तो अमर का नया जो हिस्सा हो गया 6/10 हो गया, और अकबर न्यू शेयर, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि इसके हिस्से में फर्क नहीं पड़ रहा है, आ रहा क्या, अमर से हिस्सा ले रहा है, एंथनी ले रहा है, अकबर का हिस्सा जैसे का तैसे है, तो उसका 2/10 है, उसका हो गया नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, और एंथनी ले रहा है, ठीक है ना, अमर से ले रहा है, और ले रहा है कौन, एंथनी, तो एंथनी का हिस्सा बढ़ेगा, जैसे अमर दे रहा है तो अमर का हिस्सा घट गया, 6/10 हो गया, और एंथनी का हिस्सा हो जाएगा, एंथनी न्यू शेयर, तो पहले कितना था, पहले था उसका 1/10, ठीक है, प्लस वो अमर से कितना लिया 1/10, तो हो गया कितना 1+1=2/10, सीधा है, फर्क कहां पड़ा, तो अमर और एंथनी को पड़ा, अकबर को कोई फर्क नहीं पड़ा, एंथनी ले रहा है 1/10, तो एंथनी वाले में जाके जुड़ गया 1/10, और अमर दे रहा है 1/10, इसलिए अमर वाले से 1/10 घट गया। अब जो न्यू रेशियो हो गया, क्या हो गया, तो न्यू रेशियो हो गया अमर अकबर और एंथनी के बीच में
क्या हो गया हमारे का 6/10 प्लस अकबर का कोई फर्क नहीं 2/10 का 2/10 और एंथनी का हो गया 2/10। तो इसका एलसीएम लिया 10, अब हो गया 6:2:6 +2 +2 यानी 6:2:2 6:2:2 जबकि पुराना क्या था 7:2:1। तो ये हम लोगों ने देखा और अब आगे देखते हैं सवाल। अब देखते हैं ये सवाल, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ए बी और सी पार्टनर एक फर्म है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, मतलब 5/10 ए का, 3/10 बी का और 2/10 सी का। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। यदि सी ने 1/5 हिस्सा ए और बी से इक्वली लिया, बराबर बराबर लिया, मतलब जो 1/5 वो हिस्सा और गेन कर रहा है, और वो गेन कैसे कर रहा है तो इसका इसको बराबर बराबर ए और बी से ले रहा है, मतलब 1/5 का आधा वो ए से ले रहा है और 1/5 का आधा वो बी से ले रहा है। तो सबसे पहले यहां पे सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली, ठीक है ना, फ्रॉम ए, ए से कितना लेगा तो 1/5 का इक्वली यानी आधा आधा लेगा, तो 1/5 का 1/2 वो लेगा ए से, तो 1/10 ए से लेगा और फ्रॉम बी इतना ही लेगा 1/5 का आधा, मतलब 1/10 ए से 1/10 लेगा, बी से 1/10 लेगा, ठीक है। अब यहां पे ओल्ड रेशियो जो है लिख लेते हैं, क्या है ओल्ड रेशियो ए बी और सी के बीच में क्या रेशियो है पुराना वाला 5:3:2। तो 5:3:2 ये पुराना रेशियो है लोगों का ए और बी और सी का। अब नया क्या होगा तो देखते हैं कि एज न्यू शेयर, सबसे पहले एक नया हिस्सा पहले निकाल लेते हैं, एज न्यू शेयर कितना होगा, इसे थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, जगह की कमी है, एज न्यू शेयर कितना होगा भाई, तो ए का 5/10 पुराना वाला था और उसमें से सी लेगा 1/10, इसका बचेगा कितना, तो बचेगा इसका 4/10 और बी का, बी इज न्यू शेयर तो बी का पुराना कितना था 3/10 था और इससे 1/10 ले लेगा सी, तो इसका बचेगा 2/10 और सी का निकाल लेते हैं, सी इज न्यू शेयर तो पुराना उसका था कितना 2/10 प्लस 1/10 वो लेगा ए से और 1/10 लेगा वो बी से, तो मिलाकर उसका हो जाएगा 4/10। तो नया हिस्सा कितना कितना हो गया, ए का 4/10, बी का 2/10 और सी का 4/10। तो इस तरह न्यू रेशियो क्या हो गया, न्यू रेशियो बिटवीन अमाउंट ए बी एंड सी कितना होगा भाई, तो ए का 4/10, बी का 2/10 और सी का 4/10, तो इसका एलसीएम लिया तो 10, तो 4+2+4 मतलब 4:2:4 इसे छोटा भी कर सकते हैं, तो करेंगे तो क्या होगा 2 1 2 2 2 4 2 2 4 मतलब 2:1:2 का ये नया रेशियो हो गया। और सैक्रिफाइसिंग ये हो गया इसका नया रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा इक्वल, कैसे, तो ए कितना छोड़ रहा है 1/10 और बी भी छोड़ रहा है 1/10, तो इन लोगों के बीच में हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। ये देख लिया।
अब देखते हैं दूसरा दौर, डी ई एंड एफ आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। डी और ई और एफ पार्टनर हैं जिनका जो रेशियो है 5:3:2, मतलब डी का 5/10, ई का 3/10 और एफ का 2/10। एफ एक्वायर्स, एफ एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम डी। एफ जो है डी से ले रहा है 1/5, ठीक है, एंड डी एक्वायर्स 1/20 शेयर फ्रॉम ई, और डी ले रहा है 1/20 शेयर किससे, ई से। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले जो पुराना रेशियो है डी का, ई का और एफ का, ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या है भाई, तो 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10, यही है ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि F एक्वायर करता है 1/5 शेयर फ्रॉम D, D से ले रहा है तो D से घटेगा, तो D का पहले निकाल देता है नया, D इज न्यू शेयर, कितना होगा भाई, तो D का पुराना वाला था 5/10, जिसमें से ले लेगा F 1/5, तो 1/5 इससे निकलेगा, D से F ले रहा 1/5 तो ये तो निकल जाएगा, और D 1/20 ले रहा है E से तो वो तो जुटेगा, क्या है समझ में आया, D 1/5 हिस्सा D से F ले ले रहा है, मतलब D F को 1/5 हिस्सा दे रहा है, तो 1/5 निकल गया उससे, 1/5 निकल गया, और D 1/20 ले रहा है, 1/20 ले रहा है, किससे ले रहा है, E से, तो जो ले रहा है, जो D ले रहा है उसे जोड़ दिया, 1/20 वो ले रहा है E से, उसे जोड़ा, और 1/5 F को दे रहा है उसे घटाया, तो क्या होगा, LCM निकालेंगे 20, तो अब 10 से 20 को डिवाइड किया तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, माइनस 5 से 20 को डिवाइड किया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस 20 से 20 को डिवाइड किया तो कितना हुआ, 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, तो इसका जो नया हिस्सा हो गया 10-4, 10 से 4 घट गया 6, 6 प्लस 1 7, 7/20, ये हो गया डी का नया हिस्सा। अच्छा, ई का देख लेते हैं, इज न्यू शेयर, तो ई का पुराना कितना था भाई, तो पुराना था 3/10, ठीक है, अब 3/10, अच्छा अब वो क्या कर रहा है, तो 3/10, हाँ उससे डी ले रहा है 1/20, तो 1/20 से घटेगा, ठीक है, तो 1/20 घटेगा तो कितना होगा इसका, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये डी का निकाला अब ई का निकालना, तो इसका भी 20, और 20 में 10 से 2 को मल्टीप्लाई, 10 से 20 को डिवाइड किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और 20 से 20 को डिवाइड किया 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1, तो इसका हो गया 5/20, ये हो गया नया हिस्सा ई का। और अब एफ का देखते हैं, तो एफ न्यू शेयर, एफ न्यू शेयर कितना, तो एफ का पुराना वाला कितना था 2/10, और वो ले रहा है कितना, वो ले रहा है 1/5 डी से, तो उसे जोड़ लिया, तो उसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 10, अब 2 प्लस 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, ठीक है, फिर 5 को से 10 को डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो इसका हो गया 4/10, या 4/10 को हम 8/20 भी लिख सकते हैं, चूंकि बराबर करना, सबका डिनोमिनेटर इसका कितना है 20 है, इसका 20 है, इसका 10 हो रहा है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करें, तो 8/20 भी कर सकते हैं, बात वही है, 8/20 को काट दो तो 4/10 ही हो रहा है, मतलब न्यू रेशियो ऑफ डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ कितना कितना भाई, तो D का 7/20 प्लस
ई का 5/20 प्लस एफ का 8/20, इसे करेंगे तो क्या आएगा, 20, 7+5+8, मतलब 7:5:8, ये नया रेशियो हो गया। और क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे निकाल लेते हैं, क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो यहां पे निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बराबर क्या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो डी का ओल्ड वाला कितना था भाई, ओल्ड वाला था 5/10 और न्यू वाला कितना है 7/20, माइनस किया तो कितना आएगा 20 हो गया एलसीएम, 10 से 20 को डिवाइड किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस 7 मतलब 3/20। अब ई का देखते हैं, ई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ई कर रहा है, ई का पुराना वाला कितना है 3/10, तो 3/10 माइनस 5/20 नया, तो इस तरह से इसका जो निकल रहा है सैक्रिफाइस, तो एलसीएम हो गया 20 और 10 से 20 को डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 20 से 20 को डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 5 तो 5, तो 6-5 1/20 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। और F का देख लेते हैं, क्योंकि तीन हिस्सा D छोड़ रहा है और एक हिस्सा E छोड़ रहा है और तीसरा पार्टनर है F, तो वो जो सारा है वो F को ही मिलेगा, मतलब F का -4/20 आना चाहिए, -4/20 क्यों, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग का निकाला है तो गेन जो कर रहा है उसका माइनस में आएगा, निगेटिव आएगा। तो F का देखते हैं, तो F का ओल्ड रेशियो है 2/10 माइनस न्यू है 8/20, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 20, 10 से 20 को डिवाइड किया 2, ठीक है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और माइनस 20 से 20 को डिवाइड किया 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8, तो क्या हो रहा है 4-8, 4-8 तो क्या आएगा -4/20, ठीक है। तो ये गेन कर रहा है 4/20, जबकि 3/20 डी सैक्रिफाइस कर रहा है, डी सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है, और ई 1/20 सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि 4/20 एफ गेन कर रहा है। तो ये हम लोगों ने रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में करेंगे, तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।